खबरों के लिहाज से कहां पर एक्शन है एक बार ये भी देख लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, आज के खबरों वाले शेयर्स बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। और आज साल का जो है लास्ट ट्रेडिंग डे बोलेंगे कैलेंडर ईयर का, तो ऑफकोर्स हमने राउंड अप्स तो बहुत तैयार किए हैं हमारे ऑडियंस के लिए आज दिन भर के शोज़ के लिए, तो ये बताने के लिए सबसे पहले मैं बोलूँगा। और दूसरा बात है कि आज एक लिस्टिंग है, आखिरी लिस्टिंग मान लीजिए एलेन इलेक्ट्रॉनिक्स का। हालांकि IPO साइज तो छोटा है 450 करोड़ का, पर जो एक्सपेक्टेशंस आ रही है कि जो कंपनी जो डिस्काउंट या फ्लैट जो है लिस्टिंग होगी। इसके अलावा शीला फोम ET नाउ स्वदेश के खबर पे मुहर लगी है, और हमने ब्रेक किया था कि कंपनी जो है करलॉन मैट्रेस को, जो तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर है, उसको अक्वायर करेगी 2000 करोड़ रुपए से। और कल जो था मार्केट आज के बाद एक्सचेंज फाइलिंग्स ने खुद शीला फोम ने जो है दो बातें कही है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनकी जो मैनेजमेंट की बातचीत है करलॉन के साथ भी चल रही है। तो ऑफकोर्स ये जो डील जो होने वाला है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं दोनों कंपनी का कंबाइंड मार्केट शेयर 50% से ऊपर हो जाएगा। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और हमारे खबर पे मुहर लगी है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में भी एक्विजिशन है, 76% स्टेक DR एक्सियन में खरीदेंगे, 375 करोड़ का ये एक्विजिशन है। और ये जो है कह सकते हैं ऑटो कॉम्पोनेंट्स बनाती है ये कंपनी, तो एक टाइप से कह सकते हैं जो डील है ऑलमोस्ट 0.7 times प्राइस टू सेल्स रेशियो पे हुई है। पूना वाला फिनकॉप पे जो है तो एक अपडेट आया है, 28 दिसंबर को हमने कहा था कि प्रमोटर्स ने भी शेयर्स अक्वायर किए थे, अब जो है प्रमोटर की स्टेक जो है 60% से बढ़ के 62% हो गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ICICI प्रू लाइफ में जो है उनके जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो 2.5 लाख करोड़ के आंकड़े को टच किया, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। और हालांकि देखा जाए तो प्राइवेट स्पेस में इनका जो मार्केट शेयर है वो एकदम सबसे बड़ा है, 15.7% का है। रिलायंस भी फोकस में रहेगा, उनकी आमने 51% जो स्टेक है लोटस चॉकलेट में मिली है 74 करोड़ रुपीज़ में। अब याद रखिए लोटस चॉकलेट खुद एक लिस्टेड कंपनी है, हालांकि 150 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन पिछले 4 सेशन से स्टॉक में वहाँ पे अपर सर्किट लग रहे थे। इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं कि आइशर मोटर्स फोकस में रहेगा, लगभग 50 मिलियन यूरोज़ यानी कि 440 करोड़ रुपीज़, 10% स्टेक आपको लगाएंगे स्टॉक फ्यूचर में। अब स्टॉक फ्यूचर जो है एक इलेक्ट्रिक कंपनी है जहाँ पे वो मोटरसाइकिल बनाती है और ये यूरोप के मार्केट्स को कैटर करते, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी होगा, कोलैबोरेशंस होगा, तो इस पे जो है एक डेवलपिंग स्टोरी देखने मिल रही है। HG इंफ्रा फोकस में रहेगा और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उनको NHAI का एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मिला है हरियाणा का, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 744 करोड़ रुपीज़ के लिए है, तो उनके मार्केट कैप के हिसाब से जो एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर है और स्टॉक में जो है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने मिल सकता है। सुप्रीम पेट्रोकेम में भी जो है मूवमेंट देखने मिल सकता है क्योंकि जो उनकी EPS प्रोडक्शन फैसिलिटी है, कंपनी एक पेट्रोकेम है लेकिन जो उनकी जो रॉ मटेरियल की फैसिलिटीज़ होती है उसमें जो है कमिशनिंग ट्रायल स्टार्ट हो गए चेन्नई के प्लांट में। और अगर मनाली के प्लांट के बारे में बात करें तो उनका कैपेसिटी 38% तक अब बढ़ चुका है, तो इस स्टॉक को भी ज़रूर फोकस में रखिएगा। स्वान एनर्जी में फोकस में रहेगा, NCLT की अप्रूवल आ गई है जहाँ पे वो अक्वायर करेंगे रिलायंस नेवल को। और इसके अलावा थोड़ी सी मेटल स्पेस पे बात कर लेते हैं। ऑफकोर्स हमने देखा कि मेटल स्पेस पे जो है कॉमोडिटी में थोड़ी रैली देखने मिल रही है चाइना रीओपनिंग थीम पे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नैल्को फोकस में रहने वाला, हिंदाल्को और वेदांता, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट टैरिफ बढ़ाने वाली है एल्युमिनियम के लिए भी और एल्युमिनियम अलॉयज के लिए भी पहले तारीख जनवरी से, तो इस पे जो है पॉजिटिव रिएक्शन इन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। JSW स्टील, टाटा स्टील भी फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे स्टील मिंट के रिपोर्ट्स आ रही है कि जो HRC प्राइसेज है वो लगातार दूसरे हफ्ते जो है उनके दाम में बढ़ते देखने मिली और मुंबई के प्राइसेज में लगभग 800 रुपये प्रति टन का जो है इजाफा देखने मिला है, तो यहाँ पे जो है जनवरी 2023 के लिए मिल्स जो है अपने दाम बढ़ा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये ट्रेंड हो रहे हैं दाम बढ़ने के, स्टील के दाम बढ़ने के बाद चल रहे हैं, तो इस पे जो है ज़रूर फोकस रखिए। और आखिर में DLF ने क्लैरिफिकेशन किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने नोटिस मिल चुकी है नोएडा के डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जहाँ पे उनको जो है लगभग 234 करोड़ का डिमांड नोटिस आया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये जानकारी देने के लिए। तो देखिए कुछ समय पहले तक तो DLF मना कर रहा था कि इस तरह का कोई नोटिस नहीं मिला है उनको, लेकिन अब ये कंफर्मेशन आते हुए दिख रही है, इसलिए एक अपडेट आपको दिया। इसके अलावा तमाम ऑटो स्टॉक्स, मेटल शेयरों पर भी नज़र रखिए, एक लिस्टिंग भी होने वाली है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही साथ एक एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमने आपको शीला फोम को से जुड़ी दी थी, अब उस पर मुहर लग चुकी है और कंपनी अब खबर आ रही है कि करलॉन जो एक बड़ी कॉम्पिटिटर है कंपनी की 2000 करोड़ में उसे खरीद सकती है, तो ये एक डील होने की बात अब पूरी तरह से सामने निकल कर आ रही है। तो ET नाउ स्वदेश की जो एक्सक्लूसिव खबर थी अब उस पर मुहर लग चुकी है।